ओ भाई साहब, क्या मस्त है उसका कैमरा क्वालिटी भी। अच्छा, तो बस सिर्फ ऐसे ही ओरिजिनल पैकेज में आता था और लगा रहता है, उसको मैंने निकाल दिया है। और अभी इसके अंदर लिखा हुआ कि मैक इट रियल दिख रहा है, मैक इट रियल। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मंगल और आप सभी का स्वागत है एक नया ब्लॉग में। आज का ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मेरे पास एक नया मोबाइल आ चुका है और मैं उसको अनबॉक्सिंग करूंगा। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज का मेरा दिन कैसा रहा। आज एक्चुअली बाहर थोड़ा ज़्यादा धूप हो रहा है तो मैं बाहर गया नहीं हूँ और अब मैं बैठ के थोड़ा सा मैं अपना फ्रीलांस प्रोजेक्ट रिलेटेड काम कर रहा हूँ। जो भी पेंडिंग टास्क था उसको कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि मैं अपने क्लाइंट्स को उसका प्रोग्रेस दिखा पाऊँ। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मैं कहाँ पे बैठ के काम करता हूँ, क्या मैं करता हूँ, क्या मैं बना रहा हूँ। और आगे जाके हम वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे रियलमी GT 60 12 GB रैम प्लस 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला मोबाइल। मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और अभी पहले आपको थोड़ा सा मैं अपना डेस्क दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये है मेरा लैपटॉप, ये है मेरा माउस, यहाँ पे मैं बैठ के काम करता हूँ और यहाँ पे मैं बैठ के एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन में थोड़ा दिख रहा होगा, मैं पूरा तो नहीं दिखा सकता क्योंकि वो थोड़ा सा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। तो मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैं फ्लटर या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करके सॉफ्टवेयर किसी के लिए भी बना के दे सकता हूँ। पेंडिंग टास्क पूरा कंप्लीट करूंगा और आगे जाके उनके साथ रिपोर्ट्स या फिर प्रोग्रेस शेयर करूंगा। तो आप बताएं हमारा एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो जो कि हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। मैं तो एक्साइटेड हूँ और आप लोगों में एक्साइटमेंट है कि नहीं देखते हैं। अगर आप लोग एक्साइटमेंट हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको इस मोबाइल का फीचर्स के बारे में पूरा जानकारी मिल जाए। अगर आप लोग इस चैनल में नए आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा के ही जाइए। तो चलिए अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। यह है मेरा डब्बा जो कि अमेजन से आया हुआ है, तो इसको मैं अभी फाड़ूंगा। इसको मुझे फाड़ने के लिए कैंची की जरूरत होगा। अब मैंने इसको फाड़ दिया। यह है डब्बा, शायद इसी में ही होगा और इसी में ही है, देखते हैं। अभी मैं इस डब्बे को खोल रहा हूँ। टैन 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 टैन, अभी मैं इसको खोलने वाला हूँ, देखते हैं इसको कहाँ से खोल सकते हैं। शायद यहाँ से खोलना पड़ेगा या फिर यहाँ से भी खोल सकते हैं। पहले हम लोग इस स्टिकर को खोलेंगे इस तरह से। अभी मैंने इसको पूरा ही खोल दिया, अभी मैंने इसको पूरा ही ऐसे ही खोल दिया। अभी हमारा ये कवर निकल जाएगा, इसके बाद हम इसको निकालेंगे। अभी ये है रियलमी 60 GT 60, इसमें AI एनेबल्ड है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें AI एनेबल्ड है, तो इसमें मोस्ट रिलायबल स्मार्टफोन सर्विस प्रोवाइडर लिखा हुआ है। तो चलिए इसको खोलते हैं और इसमें क्या क्या है देखते हैं। यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा इसलिए वो खोल नहीं रहा है, तो यहाँ से मैं जाके कैंची से निकाल देता हूँ इसको, या फिर कोई भी ब्लेड से निकाल सकते हो। मेरे पास अभी कैंची है तो मैं कैंची से निकाल दे रहा हूँ क्योंकि इसमें लिखा होता है कि अगर वो सील है तो आपको लेना है, नहीं है तो आपको लेना नहीं है। तो वो सील ऐसे ही ओरिजिनल पैकेज में आता था और लगा रहता है, उसको मैंने निकाल दिया है। और अभी इसके अंदर लिखा हुआ कि मेक इट रियल दिख रहा है, मेक इट रियल। चलिए इसको रियल बनाते हैं पूरा अनबॉक्सिंग करने के बाद। ये हाय है, वेलकम टू रियलमी फैमिली। तो यहाँ पे हमें विश कर रहे हैं कि हम लोग उनका रियलमी फैमिली बन चुके हैं। और इसमें और क्या है देखते हैं। यहाँ से खोलने के लिए
यहाँ से खोलने के लिए एरो मार्क दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग खोलेंगे और इसको देखेंगे कि क्या है इसमें। ओ इट्स ए मोबाइल केस कवर जो मोबाइल के पीछे लगता है। तो वो लोग ऑलरेडी दे चुके हैं और ये है, इसमें कुछ लिखा हुआ है जो कि इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि इसको किस तरह से यूज़ करना है और इसको किस तरह से लगाना है। तो ये है मोबाइल कवर विथ उनका जो डॉक्यूमेंटेशन रहता है कि इसको पढ़ के हमें किस तरह से यूज़ करेंगे, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो सब रहेगा। और इसमें मोबाइल का जो पिन है, हमें जो सिम निकालने के लिए टूल चाहिए होता है, वो यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। इसको अभी साइड में रखते हैं और नेक्स्ट फेज में क्या है देखते हैं। ये इसका कवर है जो कि हमारा इस केस का कवर है, और इसमें इसके अंदर वो था, अभी यह है मोबाइल जो कि हम बाद में देखेंगे। और अभी क्या क्या हमें मिला है, अभी हमें मिला है एक चार्जर जो कि फास्ट चार्जिंग है। इसका कितना पॉइंट है एम्पेरियर देख लेते हैं, 120 वाट का चार्जिंग है जो कि 15 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा बोल के रियल मी दावा करता है। तो इसमें लगा के देखने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद आता है हमारा USB केबल जो चार्जर के साथ कनेक्ट करके हमें फ़ोन को कनेक्ट करना होता है। तो ये हमारा गया एसेसरीज, और ये उसके अंदर एक नाइस डब्बा है जो कि खुला नहीं जा रहा, शायद खुलने का ज़रूरत नहीं है, ये शायद टाइट होके लगा है। तो अभी इसको खोलूँगा नहीं, ऐसे ही छोड़ देता हूँ, उसको बाद में हम खोलेंगे। अभी हम खोलेंगे मोबाइल को, मोबाइल का कलर कैसा है और उसका कॉम्बिनेशन जो मैंने जिस कलर को मैंने ऑर्डर किया था वो कलर है कि नहीं देखते हैं। तो ये है कलर उसका, इस साइड से मैं निकालता हूँ। ये है मेरा मोबाइल, वाह। ये जो कलर है ये है मिराकल पर्पल कलर। इसमें इसमें दो कैमरा है, एक 50 मेगापिक्सल का है और एक शायद देखना पड़ेगा कितना मेगापिक्सल है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो ये स्नैपड्रैगन 7th जनरेशन का है और 3rd चिपसेट है और 6000 यूनिट का अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले है और 120 वाट का सुपर बुक चार्जर है। सुपर बुक का मतलब होता है कि जो कि 15 मिनट में 50% 60% स्पीडली चार्ज होता है उसको। तो ये आइसबर्ग वेपर कूलिंग इसलिए दिया गया है कि जो ज़्यादा गेम खेलते हैं उनके लिए सही है। मैं शायद ज़्यादा गेम नहीं खेलूँगा तो मेरे लिए उतना ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अगर दिख रहा होगा कैमरा में तो यहाँ पे 12 GB और स्टोरेज है 256 GB। तो अभी इस मोबाइल को ऑन करते हैं और देखते हैं क्या क्या है और किस तरह से है। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मस्त है, ये लाइटिंग में आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा। अभी जो लाइट गिर रहा है उसके वजह से वो प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लाइट आएगा ऑन करने के बाद ये मिराकल पर्पल है। यहाँ पे लिखा हुआ है 50 मेगापिक्सल कैमरा बोल के, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 50 मेगापिक्सल। इसका जो एड्स है वो कर्वी है और उसको सिंगल हैंडेडली पकड़ने में और छूने में भी अच्छा लग रहा है, मतलब उसका कम्फर्ट हाथ में जब आ रहा ना कम्फर्ट उसका अच्छा है। और 6.7 इंच का स्क्रीन है तो गेम या फिर कुछ भी कंटेंट कंज्यूम करने के लिए अच्छा है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया या कोई भी यूट्यूब वीडियोस अगर देख रहे हो तो उसमें इसमें देखने में मज़ा आएगा, इसका साउंड क्वालिटी भी अच्छा ही होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने इसको ऑन किया है, देखेंगे किस तरह से ये स्टार्ट होके हमें दिखेगा। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस मोबाइल का जो भी फीचर होगा वो अच्छा ही होगा और मुझे मेरे कंटेंट क्रिएशन जर्नी में मदद करेगा और मुझे लाइफ में मिराकल ला के देगा, क्योंकि ये मिराकल पर्पल कलर है। तो अभी देखते हैं इसका कलर का। तो अभी मेरे रूम पे जो भी वाईफाई है उससे मैं कनेक्ट कर लूँगा। ये है मेरा 5G, इसका पासवर्ड मैं आपको नहीं बताऊँगा, ये मैंने पासवर्ड लगा दिया और इसको मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी एम्बर 5G कनेक्ट हो गया, लेट्स कहूँगा क्योंकि मुझे बटन्स ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये है रियल मी UI का जो एनिमेशंस और देखने में मज़ा आ रहा है,
क्योंकि लाइटिंग में उतना पता नहीं चलता, लेकिन आपको अगर नॉर्मल आँखों में देखोगे तो आपको वो कलर कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा लगेगा। ये है, और ये तो इसका डब्बा है, और बाकी सारी चीज़ें साइड में रखा हुआ है। यहाँ पे डब्बा मैंने रखा हुआ है, तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड करते हैं। देख रहे हो इसका जो लुक है, इंटरनल लुक बहुत ही वाइब्रेंट पर्पल कलर है, और इसका डिज़ाइन तो मस्त है, और इसको पकड़ने में भी जो हैंडी लग रहा है वो अच्छा है। इसमें बहुत सारे आप इनबिल्ट दे दिए हैं, जैसे कि फिन सेल पे, ये कुछ पेमेंट का आप है, जैसे फ़ोन पे गूगल पे होता है, सिमिलरली चीज़ें नेटफ्लिक्स ऑलरेडी दे चुका है, और रोमिंग बहुत सारा आप ऑलरेडी दे चुके हैं। अभी मेन चीज़ चेक करते हैं, जब इसका 50 MP कैमरा है तो इसका कैमरा क्वालिटी कैसा रहेगा। देख रहे हो, मैं जब इसका बॉक्स को देख पा रहे हो ना, जैसे मैं इसका बॉक्स का फोटो ले रहा हूँ, इतना कितना क्लियरिटी आ रहा है। मैंने क्लिक किया और इसको अभी हम देखेंगे एग्री करके। देखो, मुझे लगता है ये GoPro 10 से भी ज़्यादा अच्छे से क्लियरली फ़ोटो ले पा रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ टू व्यू दिस फोटो विदाउट प्रॉक्सी XDR। आई डोंट नो वो क्या है, पर अभी दूसरा फ़ोटो लेते हैं या फिर वीडियो करते हैं। ओ भाई साहब, क्या मस्त है उसका कैमरा क्वालिटी भी। और अब मैं इसको अभी रिकॉर्डिंग करूँ इससे, तो आप देख पाओगे उस वीडियो के अंदर कि मैं किस तरह से इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और उसका क्वालिटी किस तरह से आ रहा है। देखो, अभी मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। उसका कैमरा क्वालिटी भी, और अब मैं इसको अभी रिकॉर्डिंग कर रहा इससे, तो आप देख पाओगे उस वीडियो के अंदर कि मैं किस तरह से इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और उसकी क्वालिटी किस तरह से आ रहा है। देख लो मैं कैसा रिकॉर्डिंग कर रहा था। अच्छा आया, अच्छा लगा आपको? इसका भी मैं डाल दूंगा। और फाइनली इसमें कैमरा क्वालिटी अच्छा है, और ऐसे ऐसे करने में मज़ा आ रहा है। लेट्स सी कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जानने के लिए। आपको बस वो रैम वाला दिखा देता हूँ कि कितना रैम है और कितना स्टोरेज इसका है। अभी हम लोग जाएंगे अबाउट डिवाइस में, तो यहाँ पे देख सकते हो 12 GB रैम, और यहाँ पे 256 GB स्टोरेज। तो ये Realme UI का, और अभी मैं थोड़ा सा इसको बंद करके पीछे वाला लुक दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसा दिख रहा है। फ़ोन लाइट वेट है और उसका वाइब्रेंट कलर अच्छा है, मतलब ये जो बैक साइड में जो कलर है बहुत ही लाइट पर्पल कलर है, जिसको मिरेकल पर्पल बोलते हैं। तो मुझे ओवरऑली फ़ोन तो अच्छा लगा, डिज़ाइन वाइज अच्छा लगा, और उसका जो फीचर इनबिल्ट दिया हुआ है वो भी अच्छा लगा। अभी मैं इसका कवर, ठीक है, अभी के लिए सेटअप मैं कर देता हूँ। सेटअप करने से प्रॉब्लम ये है कि इसका जो कलर है वो चला जा रहा है, जिसके लिए मैं ये मंगवाया था वो कलर पूरा बंद हो जा रहा था, अच्छा दिख नहीं रहा और पता भी नहीं चल रहा है। तो मैं एक ट्रांसपेरेंट कलर लगाऊंगा जो कि मुझे दिखता रहे, जैसे कि यहाँ पे है इस तरह का जो हमारा वाइट बैक कवर आता है वो वाला मैं लगाऊंगा, और मैं आप सबको फिर से दिखाऊंगा। अभी तो ये अनबॉक्सिंग का था, आगे देखते हैं इसका एक हफ्ता यूज़ करने के बाद किस तरह से इसका परफॉर्मेंस रहता है, वीडियो क्वालिटी कैसा है और इमेज क्वालिटी कैसा रहता है, बहुत सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा।